नमस्कार, आप देख इंडिया टाइम न्यूज, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। बीकी न्यूज कन्नौज। भाजपा विधायक साधना सिंह द्वारा बसपा शुरू की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद यूपी के कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर भाजपा विधायक साधना सिंह का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद कन्नौज जिला अस्पताल के बाहर जीटी रोड पर भाजपा विधायक साधना सिंह का पुतला फूंककर विरोध किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि मायावती के सम्मान में हमारा सम्मान है और उनके अपमान में हमारा अपमान है, इसलिए जो मायावती का अपमान करेगा वो समझो उसका अपमान किया जाएगा। इसलिए हम सभी सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक साधना सिंह का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। जो आज प्रदर्शन जो किया है हम समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं ने, वो है भाजपा की एमएलए जो साधना सिंह हैं, उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की है। और जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था कि बहन जी का अपमान मेरा अपमान, तो ये अपमान हम लोग अखिलेश यादव जी का अपमान समझ रहे हैं, इसलिए आज हम लोगों ने साधना सिंह जी का पुतला फूंक कर उसका विरोध किया। ये आज हम सभी समाजवादी साथियों ने एक भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं साधना सिंह, जिनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में हम समाजवादियों ने, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा कि निर्देश है, माननीय अखिलेश जी ने जैसा निर्देश दिया कि अगर मायावती जी का अपमान होता है तो वो हम समाजवादियों का अपमान माना जाएगा, माननीय अखिलेश जी का अपमान माना जाएगा, जिसको देखते हुए जब मायावती जी के लिए अभद्र टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में हम लोगों ने आज साधना सिंह का पुतला फूंका है।